वापस लो, 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 हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय बीजेपी शासित नगर निगम द्वारा पानी के दामों में 3 गुना बढ़ोतरी को लेकर शहर में सियासत तेज है। आज चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर इसका विरोध किया व मटके के खड़े लेकर प्रदर्शन किया व पुलिस ने मौके पर युवा कांग्रेसकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदेश अध्यक्ष लव कुमार भाजपा नेता किरण खेर व नेताओं पर जमकर बरसे। कुमार ने कहा कि कोरोना काल ने जहां हर ओर हाहाकार है, दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की गलत नीतियों ने नगर निगम का भट्ठा बिठा लिया है। देखिए चंडीगढ़ से अजय चौधरी की यह रिपोर्ट। के दरों को लेकर किया, किस वजह से किया और क्या इसके उद्देश्य रहेंगे भविष्य में? देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही इतनी महामारी का टाइम पूरे देश भर में चल रहा है, उसके बीच MC हमारी कॉरपोरेशन जो कि नगर निगम के अंदर पहले से ही भाजपा शासित जो लोग बैठे हैं वो प्रतिदिन कोई ना कोई नई से नई एक लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं। फिर से उन्होंने जो अभी 3 गुना ज़्यादा दाम पानी के बढ़ा दिए हैं, उसके लिए आज चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने MC का घेराव किया था। पर जैसे कि आप हमेशा ही जानते हैं कि हमेशा आवाज़ दबाने का काम प्रशासन ने फिर से किया है, पर चंडीगढ़ युवा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस हमेशा चाहे वो छात्र हो चाहे वो स्टूडेंट्स और एक आम इंसान और जनता की आवाज़ उठाती रहेगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।